हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टर्मिनोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे स्टोरेज ग्रेन पेस्ट के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं स्टोर्ड ग्रेन के लेपिडोप्टेराइड पेस्ट, दैट मीन्स मोथ्स के बारे में, मोथ्स इन स्टोर्ड ग्रेन। गाइस, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एंगोमिस ग्रेन मोथ, सीटोट्रोगा सीरियलेला के बारे में। सीटोट्रोगा सीरियलेला ये मोस्ट कॉमन स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है जो कि हर प्रकार के ग्रेन में देखने को मिल सकता है, आसानी से देखने को मिल सकता है। सीटोट्रोगा सीरियलेला ये गेहूं, चावल इत्यादि जो अनाज हैं उसमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका एडल्ट लगभग 2/3 ऑफ द इंचेस, दैट मीन्स लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। विंग स्पैम के साथ में 2 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। इसका जो कलर होता है हल्का लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और जो हाइंड विंग होता है वो ग्रेइश कलर के होते हैं जो कि फ्रिंग्ड होते हैं, उसमें फ्रिंग्स हेयर्स पाए जाते हैं। जो हाइंड विंग होता है, हाइंड विंग्स एक्सटेंडेड एट द एपिकल एंगल, एपिकल एंगल पे फैला हुआ होता है जिससे वो एक ट्रायंगल के समान शेप बनाता है। लार्वा एंड प्यूपा स्टेज रिमेंस इनसाइड द सीड। इनके द्वारा गेहूं, धान, मक्का, जौ, राई, रागी इत्यादि को डैमेज किया जाता है। ये सारे के सारे जो ग्रेन होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसको सबसे पहले फ्रांस में 1736 में नोटिस किया गया था, रिपोर्ट किया गया था, जो कि आज के डेट में ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टोरेज ग्रेन पेस्ट के रूप में जाना जाता है। एडल्ट मोथ डू नॉट फीड ऑन ग्रेन, एग्स लेड इन क्लस्टर ऑन ग्रेन। ग्रेन्स के ऊपर जो एडल्ट होते हैं वो अपने अंडे क्लस्टर्स में देते हैं। लार्वे जो होते हैं, न्यूली हैच्ड लार्वे, वो ग्रेन में बोर करके उसके अंदर, ग्रेन के अंदर घुस जाते हैं और उसे इंटरनली फीड करने लगते हैं। लार्वे फीड ऑन स्टार्ची पोर्शन ऑफ सीड, एडल्ट एस्केप फ्रॉम अ सर्कुलर एग्जिट होल। क्योंकि जो लार्वे होते हैं वो प्यूपेशन में जाने से पहले, प्यूपा बनाने से पहले एक एग्जिट होल बनाते हैं ताकि एडल्ट वहाँ से बाहर निकल सकें। लार्वे दे कुड बी 6 जनरेशन पर ईयर, ये एक साल में लगभग 2 जनरेशन तक कंप्लीट कर सकते हैं, 6 जनरेशन तक कंप्लीट कर सकते हैं। इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल लगभग 30 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंसेक्ट इज इंडियन मील मोथ। इंडियन मील मोथ प्लोडिया इंटरपंक्टेला, प्लोडिया इंटरपंक्टेला इंडियन मील मोथ, ये गेहूं और चावल का मुख्य कीट है जो कि स्टोरेज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली पायरेटिक के मेंबर होते हैं। ये इसका ओरिजिन यूरोप है और ये आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। जितने भी स्टोरेज ग्रीन पेस्ट होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इनका होस्ट रेंज भी बहुत ज़्यादा वाइड है। इंडियन मील मोथ का नेचुरल पैरासाइट या नेचुरल पैरासिटॉइड है ब्रेकॉन हेप्टर। इसका इंडियन मील मोथ का यूज़ ब्रेकॉन हेप्टर के मास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी किया जाता है। इनके प्लोटिला इंटरपंक्टेरा के जो फोर विंग्स के बेस होते हैं वो ग्रेज कलर के होते हैं, उनमें ग्रे कलर की पट्टियाँ बनी हुई होती हैं और ऊपर वाले हिस्से पे हल्का रेडिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की पट्टियाँ बनी हुई होती हैं। इनकी लार्वी क्रीम कलर, क्रीमिश कलर के होते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे। इनका जो एडल्ट होता है लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबे चौड़े होते हैं विंग स्पैम के साथ में। इनका लाइफ साइकिल लगभग
30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। ये इंसेक्ट पेस्ट विद अ वाइड होस्ट रेंज रैपिड लाइफ साइकिल ऑफ 4 वीक डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन बाय डायरेक्टली फीडिंग ऑन ग्रेन प्रोड्यूसिंग सिल्कन टनल्स, क्योंकि ये आपस में प्यूपा बनाने के लिए आपस में सारे ग्रेन्स को एक साथ गूंथते हैं सिल्क के माध्यम से, एंड कंटेमिनेटिंग ग्रेन विथ एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा से ग्रेन को कंटेमिनेट करते हैं जिससे कि पूरे के पूरे ग्रेन सड़ जाते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज मेडिटेरेनियन फ्लोर मेल। मेडिटेरेनियन फ्लोर मेल एफेस्टिया कोनिलिया, ये जो इंसेक्ट है और लेप्टोप्टेरा के फैमिली पैरिडी के मेंबर होते हैं। ये इंसेक्ट स्मॉल साइज्ड मोथ होते हैं जो कि इनका जो कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि में बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। मोथ हैड ग्रे विंग्स विथ जिगजैग लाइंस, ग्रे कलर के विंग्स होते हैं जिनमें जिगजैग लाइंस होते हैं। दैट मे नॉट बी वेरी क्लियर। हैंड विंग्स आर वाइट विथ हेयरी मार्जिन। एग्स आर लेड इन क्लस्टर्स ऑन फूड और सेक्स और क्रैक्स। स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ स्टोर किए जाते हैं अनाज को, वहाँ क्रैक्स या जो गड्ढे बने हुए होते हैं, खुरदरे स्पेस होते हैं, वहाँ पे ये इंसेक्ट अपने अंडे देते हैं। और लार्वे, न्यूली हेज लार्वे अंडे से बाहर निकलते ही फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। लार्वा इज डैमेजिंग वाइटिस और पिंकिस विथ हार्डेंड हेड कैप्सूल। इनका हेड कैप्सूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। प्यूपेट इन सिल्कन कोकून्स, ये सिल्कन कोकून के अंदर प्यूपा बनाते हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 9 to 10 वीक्स। इनका लाइफ साइकिल काफ़ी लंबा होता है, लगभग 9 से 10 सप्ताह में कंप्लीट होते हैं। मेडिटेरेनियन फ्लोर मोथ जो होते हैं, ये इनका होस्ट रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉडर्न फ्यूमिगेशन मेथड हैव रिड्यूस्ड पेस्ट स्टेटस। इनको कंट्रोल करने के लिए फ्यूमिगेशन ही ज़्यादा बेटर हो सकता है। कैटरपिलर वेब टुगेदर फ्लोर एंड लिव इनसाइड। कैटरपिलर जो होते हैं वो ग्रेन्स को आपस में सिल्क के माध्यम से, सिल्कन थ्रेड के माध्यम से गूंथते हैं और उसी के अंदर रह के उन्हें फीड करते हैं, और प्यूपेशन भी उसी के अंदर ही बनाते हैं, उसी के अंदर ही प्यूपा बनाते हैं। फ्लोर इज फेवरेट बट होल ग्रेन में भी अटैक्ड। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये फ्लोर में आटा में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बट ये हर प्रकार के ग्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। मोथ मे बी मॉनिटर्ड यूजिंग फेरोमोन ट्रैप। स्टोरेज टेम्परेचर वर्सेस इंसेक्ट एक्टिविटी। टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से इंसेक्ट एक्टिविटी पे क्या असर होता है, इस डाटा के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये इंसेक्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने पे इनका जो एक्टिविटी है बहुत कम हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी एक्टिविटी भी बढ़ने लग जाती है। टेम्परेचर कम होने पे इनकी एक्टिविटी, जस्ट लाइक दिसंबर जनवरी में इनकी एक्टिविटी सबसे कम होती है, और जुलाई अगस्त में इनकी एक्टिविटी सबसे अधिक होती है। अब हम देखते हैं वेयर डू द इंसेक्ट्स कम फ्रॉम। इंसेक्ट्स ग्रेन में, स्टोरेज ग्रेन में आते कहाँ हैं? तो इनमें हो सकता है दे ऑलरेडी इन बिन और फ्लाई इन थ्रू ओपनिंग और ब्रॉट इन विथ कंटेमिनेटेड ग्रेन्स। जस्ट लाइक एक इन्फेस्टेड पैच अगर कहीं रखा हुआ है और उसको अन इन्फेस्टेड पैच के साथ में रख दिया जाए, तो सारे के सारे जो पेस्ट हैं अन इन्फेस्टेड पैच में, अन इन्फेस्टेड जो ग्रेन्स हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द सिंपल वे ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट।
हम बात करते हैं मॉनिटरिंग मेथड्स ऑफ स्टोरेज ग्रेन पेस्ट। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट को हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, उनके मॉनिटरिंग के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स अपना सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रैपिंग, ट्रैपिंग टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन स्टोरेज स्टोर्ड ग्रेन्स इन अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू मॉनिटर फॉर इन्फेस्टेशन एंड आइडेंटिफाई इंसेक्ट पेस्ट सो दैट यू कैन मेक डिसीजन अबाउट इंसेक्ट कंट्रोल। फर्स्ट वन इज फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसको फील्ड के साथ साथ में हम स्टोरेज में भी यूज़ कर सकते हैं। इस हर इंसेक्ट के लिए फेरोमोन अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज पिटफॉल ट्रैप जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, पिटफॉल ट्रैप या फिर प्रोप को यूज़ कर सकते हैं, फेरोमोन बेटेड प्रोप पिटफॉल ट्रैप में भी यूज्ड। देट इज ये एक सैम्पल है फेरोमोन प्रोप ट्रैप का, फेरोमोन बेटेड प्रोप ट्रैप का, फेरोमोन ट्रैप। एंड नेक्स्ट इज लाइट ट्रैप विथ ग्लू बोर्ड। लाइट ट्रैप विथ ग्लू बोर्ड दैट मीन्स इसमें ग्लू बोर्ड लगा हुआ होता है लाइट ट्रैप के पीछे, जिसमें कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और उस ग्लू बोर्ड से चिपक जाते हैं। लास्ट नेक्स्ट इज प्रोप सैम्पलिंग एंड साइव्स, सीविंग, सीविंग से भी हम इनको कर सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उनका आकार छोटा होने से, सीविंग करने से नीचे गिर जाते हैं और अलग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बर्लेस फनल। बर्लेस फनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इन स्टोरेड ग्रेन। दैट मीन्स अभी जिन भी इंसेक्ट पेस्ट के बारे में हमने बात किया उनके मैनेजमेंट के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स अपना सकते हैं, फिजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, माइक्रोबियल, केमिकल एंड बॉटनिकल। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फिजिकल कंट्रोल की। फिजिकल कंट्रोल में सबसे पहले आता है ग्रेन वैक्यूएटर। ग्रेन वैक्यूएटर इज साइक्लोन बेस्ड। ग्रेन वैक्यूएटर कैन नॉट ओनली बी यूज टू रिमूव ग्रेन फ्रॉम स्टोरेज बट दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन किलिंग इंसेक्ट्स द पर्क्यूशन इफेक्ट क्रिएटेड बाय द साइक्लोन कॉल्ड इंसेक्ट मॉर्टलिटी। ये जो ग्रेन वैक्यूलेटर होता है ये साइक्लोन बेस्ड, इसका जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग प्रिंसिपल वो साइक्लोन बेस्ड होता है, जिससे इंसेक्ट को आसानी से मारा जा सकता है। नेक्स्ट इज ए ग्रेन ड्रायर। ग्रेन ड्रायर चूंकि इंसेक्ट पेस्ट कोई भी इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे मर जाते हैं या उनकी एक्टिविटी नष्ट हो जाती है, मॉइस्चर ख़त्म होने पे भी उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ग्रेन ड्रायर से भी हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस बाय अ ग्रेन ड्रायर कैन कॉज मॉर्टलिटी टू इंसेक्ट्स। एक्सपोज इंसेक्ट टू अ टेम्परेचर बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस 55 डिग्री सेंटीग्रेड। 55 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक टेम्परेचर लगभग 15 मिनट के लिए दी जाती है, जो कि इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। यूजिंग ऑफ लो टेम्परेचर। डिसइंफेक्शन टाइम पीरियड रिक्वायर्ड एट लो टेम्परेचर, कांस्टेंट ग्रेन टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड 12 सप्ताह के लिए। अगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ग्रेन को रखा जाए तो उसमें इंसेक्ट्स मर जाते हैं। अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 8 वीक्स में ही इंसेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं। जो भी पेस्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 4 वीक्स, और -20 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 वीक्स में ही पेस्ट जो है नष्ट हो जाते हैं। कूल ग्रेन टू प्रिवेंट स्टोरेज प्रॉब्लम।
दिस इज़ द ग्राफ विच जिसमें हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर का इंसेक्ट पॉपुलेशन पे क्या असर होता है। नेक्स्ट इज इनर्ट डस्ट। इनर्ट डस्ट जस्ट लाइक क्लेज, सेंड, एश इत्यादि, ये सारे के सारे जो या फिर मिनरल्स जस्ट लाइक लाइम और सॉल्ट, ए सिंथेटिक सिलिका या डायटोमेसियस अर्थ एट्सेट्रा सॉयल, ये सब के सब इनको हम मिक्स करने से काफ़ी हद तक इंसेक्ट से बच सकते हैं। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट से हम स्टोरेज ग्रेन को बचा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मिक्स होने पे क्ले, सेंड, ऐश वगैरह मिक्स होने से उनके फीडिंग के लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं। बट इससे जो ग्रेन्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, वो भी कंटेमिनेट हो सकते हैं, इसलिए इनका यूज़ बहुत कम किया जाता है। डायटोमेशियस अर्थ इज अ मेथड ऑफ फिजिकल कंट्रोल अगेंस्ट इन्फेस्टेशन इन स्टोर्ड ग्रेन। इट इज एन इनर डस्ट कंप्राइज ऑफ फॉसिलाइज्ड एल्गी। फॉसिलाइज्ड एल्गी का इनर डस्ट होता है, जिसको हम डायटम्स के नाम से जानते हैं। इट किल्स इंसेक्ट्स बाय एब्जॉर्बिंग द वैक्सी कवरिंग ऑन द एक्सोस्केलेटन, कॉजिंग डैमेज टू द इंसेक्ट क्यूटिकल्स एंड लीड टू डिहाइड्रेशन। ये इंसेक्ट के बॉडी का वैक्स वैक्स लेयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि इंसेक्ट के लिए घातक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशन। हम बहुत सारे टाइप्स के रेडिएशन का यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए इसका यूज़ हर जगह नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका यूज़ किया जाता है। केमिकल कंट्रोल में फ्यूमिगेशन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्टोरेज में पेस्टिसाइड्स और मिक्सचर्स ऑफ पेस्टिसाइड विच प्रोड्यूस वेपर्स और गैसेस, दे मे बी यूज टॉक्सिक व्हेन एब्जॉर्ब्ड और इनहेल्ड सॉलिड सोल्ड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो तीनों ही स्टेज में बेचे जाते हैं। इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे बहुत सारे पेस्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं। कैन बी अप्लाइड बाय वेरियस मेथड्स, इसको आसानी से भी अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड हैं अप्लाई करने के लिए। क्विक एक्टिंग होता है, ये बहुत जल्दी एक्ट करता है और सस्ता भी होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। बट इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज़ करने से ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक हो सकता है। रिक्वायर ट्रेंड एप्लीकेटर, ट्रेंड एप्लीकेटर उसकी आवश्यकता होती है। मैं इंजोर सीड जर्मिनेशन, इस सीड जर्मिनेशन को भी सीड जर्मिनेशन पे भी निगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।